नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है किशोर टेक सपोर्ट चैनल में। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 23 इंच का सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में कोई ग्राफिक नहीं है और बैकलाइट भी हमारा नहीं ऑपरेट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको फॉल्ट दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड लाइट बिल्कुल ब्लिंकिंग में है। ये देखो, ये ब्लिंक कर रहा है बिल्कुल, और हमारा बैक लाइट भी इसमें नहीं है। कोई बैक लाइट इसमें आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी बेसिक सप्लाई में कोई मिसिंग तो नहीं है। तो प्लॉट को मैं अभी ग्राउंड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और सबसे पहले ये 5 वोल्ट की कॉइल है फ्रेंड्स, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है, कोई फ्लैक्चुएट नहीं है। एक दो पॉइंट्स में ये फ्लैक्चुएट है, हालांकि वो तो चलता है, लेकिन 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये एक रेगुलेटर है जो कि 1.8 का है। आप देख सकते हो 1.8 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और इसकी इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट की रहती है, क्योंकि ये भी सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, जो कि यहाँ से ये 5 वोल्ट इनपुट। और यहाँ पे एक बक कन्वर्टर है एलडीओ, जो कि ये 3.3 का है। आप देख सकते हो ये 3.3 में से 3.1 हो जा रहा है, 2.6 हो रहा है, मतलब ये से अभी फ्लैक्चुएट में कोई परफेक्ट तरीके से इसका कोई है नहीं, फ्लैक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे ये एलडीओ पे गड़बड़ है। और एक यहाँ पे वन पॉइंट टू का यहाँ पे एक बक कन्वर्टर है, सॉरी, आप देख सकते हो ये 1.2 की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी हमारा ये ब्लिंकिंग में है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी रेड इंडिकेटर आईआर सेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक लाइट भी नहीं हो रहा है। हालांकि पावर सप्लाई इसका परफेक्ट है, मैं आपको पावर सप्लाई दिखाता हूँ। सैमसंग में सिस्टम है कि हमारा मदरबोर्ड से कनेक्शन जब निकाल लेते हैं तो बैक लाइट ये डायरेक्ट हो जाती है, लॉक। पहले हम जैक को, पावर सप्लाई के जैक को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये निकल लिया। सैमसंग में पावर सप्लाई चेक करने का ये सहूलियत अच्छा होता है। जब हम चालू करते हैं तो इसको जब मदरबोर्ड से कनेक्शन हटा लेते हैं तो बैक लाइट डायरेक्ट हमारा चालू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परफेक्ट है। इसका मतलब है यही कि हमारा पावर सप्लाई अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। तो वापस हम लोग इसका कनेक्शन कर देते हैं मदरबोर्ड में। बस यहाँ पे कोई इंडिकेटर बैक लाइट का नहीं आ रहा, लेकिन हमारा रेड इंडिकेटर वो सेम का सेम वही प्रॉब्लम है ब्लिंकिंग के लिए। अभी प्रॉब्लम हमारा हमें यहाँ पे लग रहा है
आप देख सकते हो इसकी इनपुट जो सप्लाई रहती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई है, लेकिन जब इसमें लोड पड़ता है तो ये 4.5 के करीब ये हो जा रहा है। इसकी इनपुट सप्लाई यहाँ से आ रही है और इसकी इनपुट सप्लाई यहाँ से आ रही है, आप देख सकते हो। इसका स्विचिंग आईसी ये वाला है जो कि इस ट्रांजिस्टर पे यहाँ से सप्लाई है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई फ्लैक्चुएट है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये बिल्कुल फ्लैक्चुएट कर रहा है। और सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये फ्लैक्चुएट में है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कोई फ्लैक्चुएट अभी नहीं है, 5 वोल्ट सेम का सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करके देख सकते हैं कि हमारा ये सप्लाई ड्रॉप होता है कि नहीं होता है, और हमारे 3.3 परफेक्ट बनती है या नहीं बनती है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे 3.3 का एक पक कन्वर्टर लगाएंगे और देखेंगे कि टीवी हमारा चालू होता है या नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसमें हमने 3.3 का एक बक काउंटर लगाया है। देखते हैं आखिर हमारा 3.3 लगाने से हमारा टीवी चालू होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लगाया है 3.3 का बक काउंटर, लेकिन हमारी सेम कंडीशन में है, टीवी चालू नहीं हो रहा है और हमारा इंडिकेटर भी ब्लिंकिंग में और बैक लाइट भी नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स इसका मतलब कि हमारा आईसी में रीसेट आईसी जो यहाँ पे लगा होता है, कहीं कहीं बार ये रीसेट आईसी निकालने से हो जाता है, क्योंकि आईसी को ये रीसेट नहीं होने देते हैं। इस वजह से ये स्टैंड बाय से स्टॉक है। तो इस आईसी को हम लोग निकालेंगे पहले, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हो कि रीसेट आईसी को हमने यहाँ से हटा दिया है पूरी तरह से, जैसा वीडियो में आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैक लाइट भी हमारा चालू हो चुका है और ब्लिंकिंग भी बंद हो चुका है, स्टैंड बाई से बाहर अभी ये निकल चुका है, आप देख सकते हो। इसका मतलब यही हुआ कि आईसी निकालने से हमारा टीवी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चालू हो चुका है। फ्रेंड्स तो आप भी इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आप टीवी सही कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।